नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। जशपुर में 5 जुलाई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बगिया में आयोजित राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होंगे। दरअसल बगिया गांव के इसी स्कूल में मुख्यमंत्री साय ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, शुरुआत की थी। जिला मिशन समन्वयक ने बताया कि राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में 21 नए प्रवेशी बच्चों का मुख्यमंत्री खुद मुंह मीठा करेंगे। साथ ही 10वीं और 12वीं में जशपुर से 18 टॉपर विद्यार्थियों को टैबलेट और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। स्तरीय शाला प्रवेश बगिया जिला जशपुर में आयोजित है। राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव की अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा की जाएगी। इस कार्यक्रम में 18 बच्चे जो टॉपर हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा और 21 बच्चों को शाला प्रवेशित कराया जाएगा। जो सम्मानित पालक हैं उन्हें भी सम्मानित करने की योजना है। तो शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। 5 जुलाई को बगिया में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें जो न्यू एडमिशन में आए हुए बच्चे हैं उनको खुद मुख्यमंत्री अपने हाथों से मुंह मीठा कराएंगे और एक अच्छी शुरुआत होगी। वहीं दूसरी तरफ जो क्षेत्र के टॉपर्स हैं 10वीं और 12वीं के, उनसे भी मिलेंगे, उनका भी उत्साहवर्धन करेंगे। तो शाला प्रवेश उत्सव में ये आयोजन होने जा रहा है, इसको लेकर स्थानीय प्रशासन जो है तैयारियों में जुटा हुआ है। स्कूल भी काफ़ी उत्साहित है और बच्चे भी खासे उत्साहित हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को मिलने के लिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के विरोध में रायपुर के बूढ़ापारा धरनास्थल पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जला दिया, साथ ही चेतावनी दी कि अगर राहुल गांधी फिर से हिंदुओं को लेकर बयानबाजी करेंगे तो वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें, राहुल गांधी ने अभी हाल ही में एक भाषण दिया था। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ये उनका पहला भाषण था। अपने लगभग एक घंटे के इस भाषण में उन्होंने हिंदुत्व को लेकर काफ़ी सारी बातें कही थी, जिसकी उन्होंने बीजेपी को हिंसक बताया था हिंदुत्व के मामले में, और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब देश भर में बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है।